हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप आज हम हिस्ट्री का सिक्स चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं मेक मेकश्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करा दिया अगर वो आप नहीं देखो तो देख लो एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज मिल जाएंगे ओके तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें कंप्लीट द स्टेटमेंट बाई चूजिंग द प्रॉपर ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसमें इन नाइनटीन नाइनटी टू अंट अगेंस्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल वॉज स्टार्टेड इन तो आपका ऑप्शन है देखो यहां पर महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड आपका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश सी आपका आंसर है ओके तो देखो यहां पर आपका सेकेंड क्या इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ क्या लिखना है आपको आपका आंसर है ए डॉक्टर फुलरेनु गुहा ये आपका आंसर रहेगा ओके okay? फिर बी क्या है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड द करेक्टेड वन इसमें आपका फर्स्ट क्या है सौदामिनी राव इसमें क्या है स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति ये आपका राइट है ओके okay? सेकेंड क्या है विद्या बाल नारी समता समता मंच ये आपका ये भी आपका राइट है फिर आ, थर्ड क्या है प्रमिला दंडवाट्य आपका क्या है महिला आ, महिला दक्षता समिति ये भी आपका राइट है ओके फिर क्या है फोर्थ क्या है ज्योति महापसेकर इसका क्या है सॉरी ज्योति महापसेकर हाँ इसका क्या है वुमेन्स कमीशन ये आपका रॉन्ग है इसमें आपको क्या लिखना है ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ये आपको लिखना है है कट करके ओके अभी आगे देखते क्या थर्ड क्या है मेक अ कंसेप्ट चार्ट इसमें क्या है लॉज रिलेटेड टू वुमेन तो इसका आंसर देखो जो ये आपको स्क्रीन पे दिख स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है तो इसमें देखो आपको कैसे चार्ट बनाना है एक अभी आगे देखते हैं आगे क्या है देखो अभी फोर्थ क्या है एक्सप्लेन द कंसेप्ट इसमें क्या है पहला एलिमिनी तो इसका आंसर है पेज नंबर थर्टी फोर पर ओके तो चलते हैं पेज नंबर थर्टी फोर पर तो देखो पेज नंबर थर्टी फोर पर ये है हमारा फोर पॉइंट वन तो देखो यहां पे है ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है फिक्सड अमाउंट पेड टू अ मैरिड वुमेन फॉर हर अंग फॉर हर अपड वू हैज डिवोर्स इज कॉल्ड एलिमिनी और इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो आपको देखो लिखना है मैं आपको बताता हूं देखो जो, जो आप स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये इसका सेकेंड पॉइंट है क्या है द लॉ इन एक्टेड इन नाइनटीन फिफ्टी टू रिकोग्जेज वुमेन्स राइट टू एलिमिनी एंड देअ शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी हर राइट टू श्रीधन वॉज रिकोगनाइज ओके तो यहाँ पे हमारे आंसर कंप्लीट हो गया है अभी आगे देखते हैं आगे क्या है देखो यहां पे सेकेंड है माइनॉरिटी इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर थर्टी सिक्स पर पेज नंबर थर्टी सिक्स पे देखते हैं ये देखो यहां पे ये ऊपर देखो ये पेज नंबर थर्टी सिक्स है यहां पे देखो ये पेज नंबर थर्टी सिक्स है तो यहां पे देखो माइनॉरिटी यहां पे क्या लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है इन एनी सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियन लैंग्वेज और अ रेस आर फ्यू इन नंबर्स आर टर्म एज आर टर्म ऑफ माइनोरिटी पॉइंट है As there are various religious uh, sects and languages in our country, we see great cultural diversity. Third point uh, there is variation in cultural tradition too. Fourth point uh, in order to preserve their cultural tradition and develop their own language and develop their own language, the constitution gives the citizens certain educational and cultural rights. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन फॉर दिस फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है फॉर दिस पर्पज दे हैव द राइट टू सेट अप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका लास्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर देयर प्रोग्रेस ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यहां से लेके ये यह आंसर यहां तक है ठीक है तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है फिफ्थ क्या है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन इसमें फर्स्ट क्या है द वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट बिगेन इसका आंसर कहां कहा पर है पेज नंबर थर्टी टू पर है तो पेज नंबर थर्टी टू पर देखते हैं देखो यहां पे इसका आंसर है तो देखो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा करेगा द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर नाइनटीन सेवन एज द इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर इकेंड पॉइंट द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम वर स्पीस डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड आपका थर्ड पॉइंट रहेगा इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अपॉइंटेड डॉक्टर डॉक्टर फुल गुहा एज इट्स चेयरमैन ओके फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा आपको लिखना है यहां पे देखो यहाँ पे A स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन वॉज हेल्ड इन 1975 सेवनटी फाइव ऑर्गेनाइज बाय अस्त्री मुक्ति संघर्ष समिति उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रिलीजन्स पार्टिसिपेटेड इन इट द समिति पब्लिश इट्स मैनिफेस्टो इन नाइनटीन सेवन द पॉलिसी ऑफ अ स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट एंड वर्ना वॉज अडोप्टेड इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा देखो यहां पे रहेगा आपका नेक्स्ट पॉइंट यहां से रहेगा इन 1977 ग्रुप्स लाइक श्री मुक्ति आंदोलन समिति एस्टैब्लिश बाय बाय सौदामिनी राव इन इन पुणे इन पुणे ब्याजा फोर्टनाइटली एस आल्सो स्त्री उच्च मैत्रिन एंड स्त्री एंड स्त्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद महिला दक्षता समिति इन कोल्हापुर महिला हक्का इन नाशिक एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वर फॉर्म्ड एंटी नेक्स्ट पॉइंट है एंटी डॉरी प्रोटेक्शन कमिटी वर फॉर्म्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र नेक्स्ट पॉइंट कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन वॉज ऑर्गेनाइज इन धुले सिटी ओके okay? तो यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है ये आंसर थोड़ा बड़ा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में इतना पूछा गया है ओके okay? तो आपको यहां से देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स है आपके फिर यहां पे आपके दो तीन पॉइंट्स है और यहां पे है फिर आगे आपका यहां पे आंसर कंप्लीट होता है ठीक है अभी आगे देखते हैं आगे क्या है आगे है सेकेंड द प्रोहिबिशन ऑफ डोरी अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन नाइनटीन इसका आंसर है आपका पेज नंबर थर्टी पे तो इसका आंसर है पेज नंबर थर्टी थ्री पर ये देखो यहां पे यहां पे आपका आंसर है इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है इवन आफ्टर द ऑफ द एंटी डोरी लॉ इंसिडेंट्स लाइक वुमेन बर्न्स टू डेथ एस सारी पल्लू कैचेस फायर वाइल्ड कुकिंग एंड वुमेन स्लिप्स इन टू वेल वाइल्ड वॉशिंग क्लोथिस ड्रोन्स एंड डाइज कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिवील डोरी टू बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सच डेथ्स उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रोल ऑफ दुलिस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी वर हाईलाइटेड फिर नेक्स्ट पॉइंट है दिस क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट द डोरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट केम एम इन टू फोर्स इन नाइनटीन ओके तो यहां पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया है ठीक है अभी आगे देखते हैं आगे क्या है आगे है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बैंड बाई लॉ इसका आंसर है पेज नंबर थर्टी फाइव पर तो पेज नंबर थर्टी फाइव पर देखो यहां पर है क्या है फर्स्ट पॉइंट आपका इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस सेकेंड पॉइंट है इन अकॉर्डेंस विथ विथ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचिलिटी वॉज बैंड बाई लॉ

आगे है फोर्थ क्या है फोर्थ क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज ये देखो ये जो हमारा जो हमारा आंसर है ना ये सेकेंड एक्सप्लेन द माइनॉरिटी और इसका आंसर ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ आपको यहाँ पे एक पॉइंट निकाल देना है कौन सा है वो पॉइंट देखो यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा जो सब पॉइंट है से सब सेम रहेंगे यह आपका आंसर यहां पे एंड होएगा एक पॉइंट बस आपको कम कर देना ओके यहां पे आपका आंसर एंड हो जाएगा 5.4 का ठीक है तो यहां से लेके यहां तक आपका आंसर है चलो भी आगे देखते आगे क्या है सिक्स है इन 25 फाइव टू थर्टी वर्ड्स। वर्ड्स फर्स्ट क्या डिस्क्राइब द चिपकू मूवमेंट ये क्या कहां पे आपका पेज नंबर थर्टी पर है पेज नंबर थर्टी पर यहां पर देखो यहां पर है आपका आपका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपको अनदर कट करके द दिखने क्या है द शो ऑफ कंस्ट्रक्टिव वुमेन पावर वॉज सीन ड्यूरिंग द दिपकू मूवमेंट इन नाइनटीन ये आपका फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट क्या है ट्रीज फ्रॉम दी फॉरेस्ट इन द हिल्स ऑफ द हिमालय वर टू बी कट डाउन फॉर कमर्शियल पर्पज देन आपका थर्ड पॉइंट है चंद्री चंदी प्रसाद भट्ट एंड एंड सुंदरलाल एंड सुंदरलाल भावगुना हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट Pre दिस फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा वुमेन फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ होल्डिंग हैंड्स एंड इंसर्कलिंग ईच ट्री फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा एज देर मेथड कंसिस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द्री बाई बाय एम्ब्रेसिंग इट द मूमेंट केम टू बी नॉन एज चिपकू मोवमेंट नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वुमेन टुक पार्ट इन इट लार्ज नंबर्स वुमेन हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन देन आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा गौरा क्रिएटेड दिस अवेयरनेस अमोंग दी वुमेन विद द हेल्प ऑफ दी आ, सुदेशा देवी एंड एंड बचानी देवी ओके okay? तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया है यहां पर हो गया आपका आंसर अभी आगे देखते आगे क्या है नेक्स्ट पूछा है सेकेंड राइट अट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इसका आंसर है पेज नंबर थर्टी फोर पर पेज नंबर थर्टी फोर पर देखो यहां पर आपका आंसर है क्या हैस्टिस टू मैन एंड वुमेन सेकेंड पॉइंट है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज ऑल्सो फॉर्मड फॉर दिस पर्पज थर्ड पॉइंट है इन सम स्टेट द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वॉज ऑल्सो फॉर्मड ऑन द सेम लाइन फोर्थ पॉइंट है दिस लॉ इन दिस दिस लॉ विच डील्स विद कलेक्टिव ऑपरेशन एंड दि सोशल कंडीशन ऑफ डिवोर्स वुमेन वुमेन एंड सिक्योर वर्क प्लेसेस प्लेड एन इफेक्टिव रोल इन इन मिटिगेटिंग इनजस्टिस टू वुमेन ओके तो यहां पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया है अभी आगे देखते आगे क्या है सेवेंथ लास्ट हमारा क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल क्या है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स हाउ यूनाइटेड स्ट्रेंथ ऑफ वूमेन कैन ब्रिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन वेरियस फील्डी वन पर मतलब तो आपको लेसन के स्टार्टिंग में जाना है तो यहाँ पे देखो ये है आपका आंसर आपका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा वूमेन वो हैव टू फेस दर्न ऑफ स्कैसिटी ऑफ सप्लाईज एंड राइजिंग प्राइजेस गेव अ शो ऑफ देयर स्ट्रेंथ एस एन ऑर्गेनाइज Entity in 1972 सेकेंड पॉइंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ मरीनल गोरे वुमेन इन मुंबई पार्टिसिपेटेड इन अ डेमोन्स्ट्रेशन विच केम टू बी नोन एज द लातने मोर्चा द रोलिंग पिन डेमोस्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटीज लाइक ऑयल घी रवा मैदा वुड बिकम स्कैर्स जस्ट एज दिवाली वॉज नियर देंड नियर एट हैंड नेक्स्ट पॉइंट केरोसिन हेड बिकम वेरी एक्सपेंसिव फिर नेक्स्ट पॉइंट वुमेन केम टूगेदर ब्रांडिशिंग देर रोलिंग पिंस एंड टुक पार्ट इन द डेमोस्ट्रेशन उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दिस मूवमेंट मेट विथ सक्सेस एंड पब्लिक गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द यूनाइटेड पावर ऑफ वुमेन ओके तो यहाँ पे हमारा ये भी कम्प्लीट हो गया है तो अभी हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है तो अभी अगले वीडियो में आपको सेवन चैप्टर कराऊंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको हमारे वो वीडियो भी मिले और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो थैंक यू